कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्तां नमो सिद्धानां नमो आयतिलां नमो विपच्छाया नमो सर्वसां अगम पता नहीं कहाँ चली गई। अरे पता नहीं कहाँ चली गई। इसमें से कौन सा आईडी है? ये है। अभी आवाज नहीं कटी हुई। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणा जैनम जयतु शासनम वंदित सर्व सिद्धे भुवमचल मनोवमं गतिं भक्ते अनंतधर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्य नेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव रचित समय सार परमात्म और आचार्य अमृत चंद्र प्रति इसकी आत्म ख्याति टीका इनके आधार से समय सार का सार ग्रहण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूर्व रंग पीछी का अपनी पूर्ण हो गई। जीव अजीव अधिकार अपने प्रारंभ कर दिया था जिसमें से 39 से 44 इन गाथाओं पर अपनी चर्चा पूर्ण हो गई थी। 39 से 43 इन गाथाओं में अपनी जीव अजीव अधिकार है इसलिए जो जीव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं ऐसे मत वाले किसी न किसी अजीव को जीव मान लेते हैं। मत वाले इसमें दो अर्थ हैं। विभिन्न मत जो है शत दर्शन के आते हुए शत दर्शन जो वैदिक दर्शन है 6 इसके अलावा बौद्ध 4 ऐसे 8 दर्शन जो 8 मत है ये मत वाले और दूसरा मोह मदिरा पान के कारण से जो मत हुए हैं अरे वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते हैं इसलिए जो मत वाले हैं वे विभिन्न प्रकार से अध्यवसान आदि भावों को जीव समझते हैं जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। ये निर्णय करने में जो नपुंसक है उस नपुंसकता की पुरुषार्थहीनता के कारण से ये यथार्थ निर्णय नहीं कर पाए और किसी ने किसी को जीव मान लिया और उनका आग्रह था हठ था कि इसके अलावा कोई जीव हमको दिखाई नहीं देता है इसलिए हम किसी को जीव मानते हैं। 44वीं गाथा में गुज में आचार्य कुंद देव ने और टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने उनकी बातों का आगम और युक्ति से खंडन किया और जो युक्ति दी है वह स्वानुभव गर्भित युक्ति है।
मूल में चंद्रकुंद आचार्य कहते हैं कि इन सद्भावों को पोकल दव्य परिणाम निपन्ना केवली जिने ही बनना, केवली जिनेन्द्र भगवान में ये जो अध्यवसान आदि भाव है इन सबको पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न कहा। जब वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है तो जीव कैसे हो सकता है। टीका में अमृतचंद आचार्य कहते हैं, आचार्य ने जी के बात कही, केवली भगवान विश्व के साक्षी वितरागी सर्वज्ञ अरहंत भगवान, उन्होंने जो ये बात कही है ये सब उद्गल द्रव्य से निष्पन्न है और ये जीव होने में समर्थ नहीं है। और आपकी बात, आप इसको जीव कहते हैं, नदी बाहू को वह युक्ति से बाधित होती है, स्वानुभव से बाधित होती है, इसलिए ये जीव नहीं है उद्गल ही है। और अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ये सर्वज्ञ वचन ही आगम है, ये सर्वज्ञ वचन ही आगम। और स्वानुभव पर भी युक्ति क्या है, आठों की लिए थी, ये जो अध्यवसान आदि भाव, अध्यवसान अध्यवसान संतति कर्म नो कर्म, कर्म और जीव का संयोग, कर्मों का समूह, जो कुछ भी कहा ये सब जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी जीव भेद ज्ञानी वस्तु स्वयं कारक है। अरे भेद ज्ञानी इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब इनसे भिन्न जीव है, अनुभूति में आ रहा है। इसलिए आपका कहना कि इनसे भिन्न कोई जीव होता ही नहीं है, ये आपका पक्ष खंडित होता है, मत आपका खंडित होता है। इस तरह आगम स्वानुभव गर्भित युक्ति के माध्यम से उनके मतों का निराकरण कर दिया। यथार्थ जीव क्या है वो अभी आगे 49वीं गाथा में कहने वाली है, लेकिन थोड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा जो निर्णय नहीं कर पाते हैं वे नपुंसकता के कारण, पुरुषार्थहीनता के कारण करते हैं, आचार्य को थोड़े शब्द कठोर लगे, इसलिए अब थोड़ा सा जैसे कभी बच्चों को डांट देते हैं तो भी बच्चे निराश ना हो जाए, इसलिए माँ पुचकार भी देती। ऐसे ही जिनवाली माँ कभी कठोर शब्दों में कहती है और अबोध बालक, ज्ञानी जो होता है वो अबोध बालक ही कहलाता है ज्ञान की दृष्टि से, तो उन्हें थोड़ा सा उच्चार कर थोड़े प्रेम के शब्दों से ही उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। ये 34वां जो कलश है यहाँ समझ लीजिए थोड़ा प्रेम से समझाने जा रहे हैं। वैसे अमृतचंद्र आचार्य प्राकृत की गाथाओं की उठाने का भी लिखते हैं, लेकिन संस्कृत के जो कलश स्वयं के लिखते हैं उनकी कभी उच्चारणी का नहीं लिखते हैं। आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही सब ऐसा तो नहीं है कि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है? हाँ है ना, सभी बाकी सबको तो आ रही आवाज सही, इसलिए वे अपने भी डिवाइस देख लीजिए। तो अपन ये बात कर रहे थे कि कठोर शब्दों के कहने के बाद थोड़ा मधुर शब्दों में कहने जा रहे हैं, और साथ में गाथाओं की उत्थानिका लिखी, लेकिन कहीं कहीं कलशों की लिखी। इस कलश की उत्थानिका अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है, उसी से अपन प्रारंभ करते हैं। आगे उत्थानिका लीजिए। ये उसकी गाथा की नहीं, पहले इसके कलश की।
ये गाथा 11 इससे पहले जो है ना 34वें कलश की उठाने का है प्रारंभ में। पीछे जाना पड़ेगा, 34वें कलश का है ना, 3-4 पेज कलश भी है। बराबर देखिए, अब आपके स्क्रीन पर है, इह खलु पुद्गल भिन्न आत्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः सामना एवं अनुशास्यः। यह मैंने अब यहां पर खलु वास्तव में पुद्गल भिन्न आत्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः, पुद्गल से भिन्न आत्मा है लेकिन जिन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी प्राप्ति, और प्राप्ति का अर्थ उसका यथार्थ स्वरूप समझना, ये समझने के लिए जो प्रति भी प्रतिपन्न जो विवाद कर रहे थे उससे निर्णय नहीं था, इसके कारण से जो विवाद कर रहे वी प्रतिपन्न सामना एवं अनुशास्य, ऐसे विवाद करने वाले अर्थात अध्यवसान आदि को जीव कहने वाले उन्हें सामना समता भाव पूर्वक एवं अनुशास्य इस प्रकार से समझाना चाहिए, अर्थात इस प्रकार से अब समझाते हैं, और अगले कलश में उनको ये प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं थोड़ा समता भाव पूर्वक, कठोर शब्द कहे तो अब समता भाव पूर्वक। तो आत्मोपलब्धि, पुद्गल से भिन्न आत्मा है लेकिन उन्हें पुद्गल से भिन्न आत्मा समझ में नहीं आ रहा था, तो उस आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, ऐसा जो विवाद कर रहे थे उन्हें समता भाव पूर्वक अगले कलश में समझाते हैं। कलश 34वां, कलश का पाठ कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने, मूल शब्द ख्याल में लेने का प्रयास करें। विरम किम अपरेणा कार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। सबसे पहला शब्द है विरम, और विरम का अर्थ होता है रुक जाओ, रुको। जब कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो, गलत कार्य कर रहा हो, रास्ते पर चलते चलते सामने कोई गड्ढा आ गया और ऐसा लगा कि अरे तो अभी जाके गड्ढे में गिरने वाला है, ऐसे समय में समझदार, उनका हित चाहने वाले, उनके प्रति दया रखने वाले, करुणा रखने वाले, उनको प्रेम से कहते भैया रुक जाओ, रुको। ऐसा ही अमृतचंद्र आचार्य भी कह रहे हैं विरम, रुको। किन्हें कह रहे हैं? वे जो आत्मोपलब्धिम प्रति विप्रतिपन्नः, आत्मा कैसा है? कोई कहता अध्यवसान है, जैसे कोयले से भिन्न कोई, काले पने से भिन्न कोई कोयला हमें दिखाई नहीं देता है, काला काला ही कोयला होता है, ऐसे बस अध्यवसान ही जीव होता है, उससे भिन्न कोई जीव दिखता नहीं है। इस प्रकार से जो आत्मा के संबंध में 8 प्रकार की मान्यता तो कही थी, एवं एव इतरे अपि परमात्मानम, अन्य भी जो है पर को आत्मा मानने वाले ऐसे बहुत है, उन सबको कह रहे हैं विरम, रुक जाओ। आत्मा का सही स्वरूप समझा नहीं है और अन्य अन्य कल्पनाएं करके उसके पोषण में लगे हो, तो उनसे कहते विरम, रुक जाओ।
किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन अपरेण, ये जो दूसरा अन्य जो जैसे गलत रास्ते पर जा रहा हो और उसे कहा जाए कि भैया रुक जाओ, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, और तेजी से जाने की कोशिश कर रहा होगा, भैया इस गलत रास्ते पर जाने से क्या लाभ है, इसलिए कहते अपरे न, ये अन्य जो है, और इसको कह रहे अकार्य कोलाहल न, इस अकार्य के कोलाहल से किम, किम जो शब्द होता है क्या, क्या है माने क्या है का अर्थ है क्या लाभ है, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अकार्य कोलाहल से क्या कहना चाहते हैं, पहले तो अपनी आज मूल बातें उसे कहते हैं अकार्य कोलाहल। आत्मा ऐसा ही है, अध्यवसान ही है, और अंतिम जो बात ली थी आठ कर्मों का संयोग ही आत्मा है, आठ लकड़ियों से बने हुए खाट की तरह, इसके अलावा और तो कोई खाट होती नहीं, आठ लकड़ियों का समूह है, ऐसा ही आठ कर्मों का समूह ही जीव है। कोई कहता है शरीर ही जीव है, ये इस तरह के जो इसको कह रहे हैं कि अकार्य कोलाहल क्यों, और इसको सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क युक्तियां भी कदाचित आप लाएंगे, उदाहरण भी लाएंगे, परंतु ये सब आपका व्यर्थ का कोलाहल है। वहां अमृतचंद्र आचार्य ने प्रलपंती शब्द दिया था, और उसका सीधा हिंदी अर्थ होता है बकवास करते हैं, व्यर्थ की बकवास करते हैं, इसका अर्थ उसके अनुसार वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। तो जिससे कुछ सफलता मिलने वाली नहीं है, फल निकलने वाला नहीं है, वो सब कोलाहल ही तो है, और वो व्यर्थ का कोलाहल है। किसी भवन में आग लगी हो, कम से कम अब हमारे हिंदुस्तानियों को ऐसी आदत है, तो वहां भीड़ कर देंगे, और भीड़ इकट्ठी होकर के तमाशा देखने वाले, और वे इतनी जोर जोर से बातें करेंगे, सलाह देने की कोशिश करेंगे, और ऐसी सलाह होगी कि उससे कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है, और इतनी जोर जोर से देंगे कि जो असली बात कह रहे हैं उनकी असली बात, जो असली निर्देश देने वाले हैं जिससे कुछ हल निकलेगा, आग बुझ सकती है, वो बात ही नहीं पहुंच पाती है। तो उन सबसे कहना पड़ता है ये व्यर्थ की बातें सब बंद करो, आपके इस व्यर्थ के कोलाहल से कुछ लाभ नहीं है। ऐसे ही वो कह रहे हैं भैया ये व्यर्थ के तर्क वितर्क कुतर्क करना छोड़ो, क्योंकि उससे आत्मा की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो क्या किया जाए, तो कह रहे हैं स्वयं अपि निभृतः सन पश्य षण्मासमेकम्, खुद भी थोड़ा निवृत्त हो जाओ। अब यह निवृत्त के दो अर्थ कर सकते हैं, ये एक तो पर के भार से निवृत्त हो जा, निर्भार हो जाओ, माथे पर किसी प्रकार का भार मत रखो, और दूसरा निवृत्त का यहां जो अर्थ किया निश्चल होकर के, लीन होकर के, यहां वहां चित्त को न भरमाते हुए एकाग्र हो जाओ। हमें तो एक आत्मा को प्राप्त करना है, इस तरह से एकाग्र होते हुए निभृतः सन पश्य षण्मासमेकम्, एक छह महीने देखो, अभ्यास करो, छह महीने तक अभ्यास करो आत्मा का क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पश्य षण्मासमेकम्, एक निश्चल एकाग्र होकर के, यहां वहां चित्त को न भरमा करके एक छह महीने तक देखो, देखो अभ्यास करो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, क्या होगा इससे। हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद भिन्न धामनः ननु किम अनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि। हृदय सरसि, इसी हृदय रूपी सरोवर में पुद्गलात भिन्न धामनः पुंसः, पुद्गल से भिन्न, धामना माने तेज, पुंज चैतन्य के तेज से सहित, ऐसे पुंसः माने पुरुष, पुरुष माने चैतन्य स्वरूप आत्मा। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में अमृतचंद्र आचार्य ने स्वयं लिखा,
अस्ति पुरुषस चिदात्मा, उसे पुरुष कहते हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा व पुरुष, इसलिए पुंसः माने आत्मा का। इसी हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न चैतन्य के तेज से सहित तेज पुंज ऐसे पुंसः आत्मा की किमान उपलब्धि भांति किंच उपलब्धि, क्या वह प्राप्त नहीं होगा कि होगा, उसकी अनुपलब्धि होती है कि उपलब्धि होती है, ये कहे स्वयं में देखो, 6 महीने तक देखो। और के अनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि, क्या उसकी अनुपलब्धि होती कि उपलब्धि होती है, देखो। ऐसा कह करके आचार्य कहते हैं अवश्य उपलब्धि होती है। अभी हम आदरणीय डॉक्टर भारिल जी से के द्वारा किया हुआ पद्यानुवाद भी देखेंगे और बनारसी दास जी का भावानुवाद भी देखेंगे। वो तो ऐसा कहने वाले कि अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यों ही जान रहे, इस विधि से अवश्य प्राप्ति होने ही वाली है क्योंकि ऐसा ही स्वरूप है। क्या करना, 3 बातें। पहली बात तो ये है रुक जाओ। कभी भी गलत रास्ते पर जा रहे हो तो सबसे पहला काम है कि उस गलत रास्ते पर जाने से रुकना। क्यों? क्योंकि बिना सही निर्णय करे यदि चलते ही रहेंगे तो सही दिशा अपना गंतव्य उससे उतनी दूर होते जाएंगे, इसलिए पहले रुक जाओ। कदाचित तो सही दिशा की तरफ नहीं भी चले, कम से कम गलत दिशा में दूर तक तो नहीं निकलेंगे, इसलिए विराम, पहले रुक जाओ। और फिर जो गलत सब कर रहे थे उसको रोको, क्यों अप्रेरणा कार्य कोलाहल, कार्य कोलाहल से क्या लाभ है। और फिर थोड़ा स्थिर चित्त से विचार करो। अभी चित्त में बहुत चंचलता हो रही थी, वो सारी चंचलता छोड़ो, निभृत सन। और ये जब जीवन मृत्यु का प्रश्न होता है या सारे जीवन का प्रश्न होता है और कहते उसको 1 सेकंड में अभी हाल उत्तर दो, कहते भैया जिंदगी भर का प्रश्न है, शांति से विचार करने दो। कदाचित अरे जैसे किसी बालक बालिका लड़का लड़की की शादी हो रही हो और उनसे कहा जाए कि ये प्रस्ताव है और उसे अभी निर्णय करो, कहेगा नहीं हमारी जीवन का प्रश्न है, सोचने दो हमको, कितना समय चाहिए, जल्दी करो। कहे हमें कुछ दिनों का समय, दिनों का समय भी ले सकते हैं मांग करके, क्योंकि जीवन भर का प्रश्न है। यहां कहते हैं हमारा जो अनंत काल का जीवन है, अनादि तो निकल गया पीछे का, वो जो अनंत काल का भविष्य है वो जिस पर निर्भर है हम किस दिशा में जाएंगे। 2 हमारे हेडक्वार्टर है, एक निगोद और एक मोक्ष। किधर जाना है हमको भैया, ये बहुत बड़ा निर्णय है। यदि इस निर्णय में गलती की तो नियम से निगोद है, और सही निर्णय किया तो मुक्ति की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसलिए शांति से निब्रत, थोड़ा रुको, निब्रत आसन, निश्चल हो जाओ और जल्दबाजी मत करो। पश्च षण्मास में 6 महीना देखो। तो पहले गलत रास्ते पर जाने से रुको, व्यर्थ के विकल्प करना छोड़ो और शांति से बैठकर विचार करो। कहाँ विचार करना है, यही अपने अंदर में। और ऐसा करेंगे तो आचार्य गारंटी दे रहे हैं कि निश्चित इसकी प्राप्ति होती ही होती है। थोड़ी सी विशेष बात अपन ये करते हैं, 2-3 बातों की चर्चा। सबसे पहले तो पीछे 23वां कलश है, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। वो 23वें कलश में कह रहे हैं कि एक मुहूर्त के लिए इस देह का पड़ोसी बन करके अनुभव करो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को। तो वह देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा निश्चित रूप से अनुभव में आएगा। वहां तो एक अंतर मुहूर्त में अनुभव करने की बात कर रहे हैं देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का।
और यहां कह रही कि पश्च सन्मास में कम, 6 महीने तक अभ्यास करो। तो ये अंतर्मुहूर्त कह रहे, ये 6 महीना कह रहे, ऐसा क्यों? वह अग्रहित मिथ्यात्व है, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव जिन्हें नहीं हो रहा है, और यहां पर ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित का अर्थ ये है कि जिनने ग्रहित तो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी देहादि के एकत्व बुद्धि वाला अग्रहित पना नहीं छूट रहा है। जिनवाणी की बात सुन करके समझ करके उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन बिचारे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा जिस देह में एकत्व बुद्धि हो रही है उससे भिन्न होकर के एक अंतर्मुहूर्त के लिए विचार करो, तो निश्चित आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो अग्रहित की मुख्यता से यहां ग्रहित पड़ा हुआ है। बाहर से दूसरे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इनसे विपरीत मान्यताएं, विपरीत तर्क वितर्क इतने आ रहे हैं, अब वो कैसे छूटे हैं? ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। या वो सब गलत, तो कह रहा वो गलत और आप सही, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बैठो बैठो, अब जिनवाणी का अभ्यास करो। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी, जिनवाणी, उसका अभ्यास करो। तो उसको तत्काल अभ्यास करके तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कह रहे कि पश्च षण्मास में कम, 6 महीने तक अभ्यास करो। और ये गारंटी देते हैं कि 6 महीने से अभ्यास करोगे, सही दिशा में एकाग्र होकर के करोगे, तो निश्चित रूप से कहा तो क्या उपलब्धि होती है कि नहीं होती है, देखो कि अवश्य ही उसकी उपलब्धि होगी। अकार्य कोलाहल जो है ना, इसका भी बड़ा विस्तार है अकार्य कोलाहल के। अभी तो चूंकि विभिन्न प्रकार के मत वाले, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, वो कहता है आत्मा ऐसा है, वो कैसा, आत्मा ऐसा है, ये जो सभी अलग अलग कह रहे हैं, इसको अकार्य कोलाहल मुख्य रूप से कह रहे हैं, इसको कह रहे रोको। और फिर वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की बात को लेकर के 6 महीने तक अभ्यास करो, चिंतन करो, मनन करो। ये अभ्यास करने का अर्थ भी यही है। अभ्यास करो माने क्या? अभ्यास करो का अर्थ सिर्फ पढ़ते रहना ऐसा नहीं है, पढ़ने के बाद चिंतन मनन करना और स्वसन्मुखता से करना। मैंने रविंद्र जी का वाक्य आपको बोला, बताया भी होगा पहले भी, अध्ययन से उपाधि मिलती है, स्वाध्याय से समाधि मिलती है। अकेला अध्ययन करोगे तो मिलेगी, हाँ आप तो इसमें निष्णात हो गए, कदाचित शास्त्री हो गए, डॉक्टर उपाधि मिली, बहुत सारी उपाधियां मिल सकती है अध्ययन, लेकिन आत्मा की स्वाध्याय से होगी। तो वो जो पश्च षण्मास मेकम में है, आत्मा के स्वरूप को समझना, उसके संबंध में चर्चा करना, एकांत में बैठकर विचार करना, टोडरमल जी जैसा कहते हैं पहले जिनवाणी से पढ़ना, फिर समझ में नहीं आए तो समान बुद्धि वालों से चर्चा करना, फिर भी नहीं आए तो विशेष बुद्धि वालों से पूछना, और वो हरेक के बीच में एकांत में बैठकर विचार करने को कहते हैं। जो पढ़ा उसका एकांत में बैठकर विचार करो, समान बुद्धि वालों से चर्चा की उसके एकांत में बैठकर विचार करो, विशेष बुद्धि वालों से पूछा उसका एकांत में बैठकर विचार करो। और ये सब एकाग्र निभ्रता सन, निश्चल होकर के स्वसन्मुखता से, स्व की रुचि पूर्वक कब तक करे? कि जैसे अभी देह में एकत्व बुद्धि है, इस प्राप्त पर्याय में एकत्व बुद्धि है, ऐसे एक आत्मा में अहम बुद्धि ना आए तब तक करते रहना। ये अभ्यास अकेला पढ़ना पढ़ना अभ्यास नहीं है। जैसे तत्वार सूत्र में स्वाध्याय के 5 अंग कहे गए हैं, ऐसे ही राजवार्तिक आदि ग्रंथों में अलग से 5 कहे। तत्वार सूत्र के तो 5 ये कहेंगे, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश। लेकिन दूसरी तरह से कहा, श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण और परिणमन। ये अभ्यास करना है, श्रवण पहले सुनो या पढ़ो, और जो कोई सुना पड़ा है श्रवण के बाद उसे ग्रहण करो। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से छोड़ दिया। मुझे बहुत से मराठी दिख रहे, क्षीर सागर जी दिख रहे, सोनाथ जी दिख रहे हैं,
मराठी में कहावत चलती है ना, नड़ी फुंकली सोना राने इकड़ून तिकड़े गेले वारे, हाँ ऐसा ही वो बोलने वाले वक्ता बोलते रहते हैं, इस कान से आई और इस कान से निकल गई, ये श्रवण नहीं कहलाएगा। हाँ श्रवण कहलाएगा कि उस समय सुन तो रहे है ना, लेकिन कहते ग्रहण, ग्रहण करो, ग्रहण के बाद में धारणा में भी लो, माने याद भी रखो कल क्या सुना था आज क्या सुना। और हम इसलिए आपको प्रेरणा भी देते हैं, आप खुद पहले से पढ़ करके आओ आगे क्या विषय आने वाला है, ये इसको लेते हुए धारणा में लिया जाए। और धारणा में लेने के बाद में विषय हमारी अच्छी तरह से सुन लिया, समझ लिया, याद है, अब कहते उस पर एक एक पर विचार करो, निर्धारण निर्णय करो, जो ऐसा हमने सुना पढ़ा समझा याद भी कर लिया ऐसा ही है, क्यों है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, क्या दोष आएंगे, इस तरह से निर्धारण करना। और निर्धार होने के बाद पक्का हो जाए कि ऐसा ही है, तब कहते परिणमन। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आत्मा का लक्षण तो चैतन्य ही है, उपयोग ही है, मैं उपयोग स्वरूप ही हूं, ये परिणमन, ये अभ्यास स्पष्ट सन्मासमे कम, ये 6 महीने तक अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। अनुशीलन जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें प्रश्न उठाया है, जयचंद जी छाबड़ा ने भी कहा कि 6 महीने का समय लगे ऐसा नहीं है, ये कार्य तो अंतर मुहूर्त में होने वाला है, विपरीतता जाकर के सम्यक होने का, 6 महीना क्यों कह रहे हैं, किसी को बहुत अधिक कठिन लगे तो उसके लिए कह रहे हैं, उतावली मत करो, 6 महीने तक एकाग्र होकर के करो तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होगी। क्यों होगी, बहुत अच्छा उदाहरण बनाया और बनारसीदास जी ने भी उसे लिया हुआ है, इसलिए हृदय सरसी पुंसा पुद्गलात भिन्न धामना, हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न पुरुष चैतन्य स्वरूप आत्मा है, यहां कहते हैं वो अंदर में है तो क्यों नहीं उपलब्ध होगा। पीछे भी ये तर्क दिया था ना, वे तो सब कह रहे इससे बिना में आत्मा दिखता नहीं है, और अपने आचार्य कह रहे कि अध्यवसान आदि से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा भेद ज्ञानियों को स्वयं अनुभव में आ रहा है, वो कह रहे हमको दिखता ही नहीं है उसके अलग से आत्मा, और आप कहते उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आता, हम किसकी बात माने। तो उसमें तर्क यही दिया था, चूंकि आत्मा है तो जो है कहने वाला वह सच्चा है, और होते हुए जो ना कह रहा है वो गलत है। ऐसा यहाँ हृदय रूपी सरोवर में अंदर चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है, या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जाते, तो अंदर है तो उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी। गुरुदेव ने लिखा यदि परद्रव्य हो तो उसकी प्राप्ति होना कठिन है, उसमें पुरुषार्थ नहीं चलेगा, लेकिन स्व है तो क्यों नहीं उपलब्ध होगा, है ना, इसकी स्वीकृति तो हो, है की स्वीकृति, ईदृशमेव तत्वम न अन्यत न चान्यथा, ऐसा ही है, इत्यकाम्पाय संभववत् सन्मार्गे संशया रुचि, ऐसा ही है, यहाँ एकाग्र हुआ तो निश्चित रूप से प्राप्ति होती है, क्योंकि है इसलिए अवश्य उसकी प्राप्ति होगी। एक बार और कोई पाठ कर सकते हैं कलश का, सुनील जी, अच्छा हाँ है सुनील जी, शुरू में नहीं थे इसलिए मैंने कहा सुनील जी कलश का और पद्यानुवाद का पाठ करे, फिर बनारसीदास जी के छंद से भी थोड़ी चर्चा करते हैं, हमें 45वीं गाथा भी लेनी है, लीजिए। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेना स्वयमपि निवृतः सन् पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिः भाति किं चोपलब्धिः। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से,
अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत छह मास हो निज आत्मा की साधना तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। व्यर्थ कोलाहल तर्क वितर्क उसका निषेध किया लेकिन आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में चिंतन मनन करना विचार करना इसको व्यर्थ कोलाहल नहीं कहा। जो सही स्वरूप की तरफ निर्णय कराने वाला है उसको व्यर्थ कोलाहल नहीं कहा है। यहाँ थोड़ा सा क्रिया कांड में यदि अकेले उलझे हुए हैं वह भी एक तरह से व्यर्थ कोलाहल है क्योंकि क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम आगे संवर निर्जर अधिकार में जाकर के कहा। क्योंकि क्रिया जड़ की है और हमें आत्मा की उपलब्धि करनी है तो आत्मा की उपलब्धि आत्मा के ज्ञान स्वभाव से लक्ष्य से उससे होगी तो ये क्रियाकांड से नहीं होने वाली। तो वहां जो क्रियाकांड में उलझेंगे उसको भी व्यर्थ कोलाहल कहेंगे। वो ऐसा करते करते मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के चिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे। वो व्यर्थ का कोलाहल है। मुझे यहाँ एक पाश्चात्य दार्शनिक की पंक्ति याद आ रही है। पंक्ति मतलब तथ्य वाक्य है उसका। वो तो ये कहता है मैं उस कार्य में असफल होना पसंद करूंगा जो कि अंत में जाकर सफल होने वाला है बजाय उस कार्य में सफल होने के जो अंत में जाकर असफल होने वाला है। अनुव्रत महाव्रत आदि का कार्य बिना आत्मानुभव के किया जाए और उसमें बिल्कुल दोष नहीं लगे निरतिचार बिल्कुल कोई दोष नहीं लगे कितना भी करेंगे तो हमें सफलता मिली ना कि हमने कोई दोष नहीं लगने दिया बिल्कुल जिनवाणी में जैसे कहा वैसे ही किया और उसके फल में नवे ग्रवेक तक गए महाव्रत का पालन किया तो परंतु सफलता हो गई ना लेकिन जिस मुक्ति के लिए कर रहे थे वो तो नहीं मिली। और अभी यदि मैंने भले ही सम्यक तो प्राप्त कर लिया और कुछ नहीं कर पाया और कदाचित सम्यक तो प्राप्ति में भी असफल रहा तो भी कहते हैं मैं इसी का प्रयास करूंगा सम्यक्त की प्राप्ति का आत्मानुभूति का जो निश्चित रूप से मुक्ति तक ले जाने वाला है। माने उसमें सफल होने की बजाय अभी कदाचित असफल हुआ देखो तत्व विचार की महिमा तो उसको उसके बाद में टोडरमल जी ने लिखा ना कदाचित तत्व विचार वाला अभी वर्तमान में नहीं कर पाए इस भाव में तो भी आगामी भव में निश्चित रूप से वह सम्यक्त को प्राप्त करेगा क्योंकि तत्व विचार से तत्व निर्णय से भेद विज्ञान और भेद विज्ञान से आत्मानुभूति निश्चित होने वाली ये क्रम और ये सही दिशा है और वो क्रियाकांड की दिशा सही नहीं है इसलिए उसको सबको व्यर्थ कोलाहल कह रहे उससे कह रहे विरम होगी भूमिका अनुसार सब होगी लेकिन विरम और ये आत्मा की तरफ आने की विशेष रूप से रुचि दे रहे हैं। जैसा अमृतचंद्र आचार्य ने प्रेम से समझाने की कोशिश की सामना एवं अनुशास्य समता भाव पूर्वक समझाना ऐसे ही बनारसी दास जी भी ऐसे ही सरल भाषा में प्रेम से कहते हैं। मैं सुनील जी से कहता हूं इसका भी पाठ करें। भैया जगवासी तू दासी है के जगत सो एक छ महीना उपदेश मेरो मानु रे और संकल्प विकल्प के विकार तजी बैठी के कंत मन एक ठौर आनु रे तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को तू ही मधुकर वे सुवास पहचानू रे प्राप्ति न वह है कछु ऐसो तू विचार तू है
सही वह है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। ये निभ्रता सन लिखा ना, निभ्रता सन, भैया जगवासी तू उदासी वह के जगत सो, बाकी सबसे निवृत्त हो जाओ। और एक छह महीना उपदेश मेरो मानू रे, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश पर ध्यान दो क्या स्वरूप कहते हैं। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, संकल्प विकल्प कोई संकल्प विकल्प मत करो। दसवें कलश में लिया संकल्प विकल्प शब्द, वहां दिया था संकल्प विकल्प। नौ कर्म देह में एकत्व बुद्धि, उसका नाम संकल्प। और क्षोभसम ज्ञान से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, भिन्न भिन्न लगना, उसका नाम विकल्प। माने देह की एकत्व बुद्धि उसका नाम संकल्प, या मोह एक तरह से संकल्प। और वह क्षोभसम ज्ञान से ये मेरा ये उसका, इस तरह से राग द्वेष होना, ये अच्छा ये बुरा, चित्त को बहुत भरमाना, उसको विकल्प। ये छोड़ करके बैठ के एकांत मन एक ठोर आनु रही। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वह सुवास पहचान रही। जैसे किसी सरोवर में कमल हो और उस कमल पर भौरा आकर के उसका सुवास ले रहा है, वहां तो सरोवर अलग है, कमल अलग खिला हुआ है, भौरा आकर के उसका सुवास ले रहा है, लेकिन यहाँ कह रहे सब कुछ तुम ही हो। तेरो घट सर, तुम्हारा ये देह ही सरोवर है और इसी देह रूपी सरोवर में तू ही है कमल, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा कमल की तरह खिला हुआ है और उसमें से चैतन्य की सुगंध आ रही है, साथ में सुख की आनंद का मकरंद झर रहा है और मधुकर जैसा स्वाद लेता है उसका आकर के, तू ही है मधुकर। तेरा आत्मा द्रव्य स्वभाव वह कमल है और तेरी वर्तमान की पर्याय वो मधुकर की तरह है, भौरे की तरह है, और वो आकर के उसका लक्ष्य करे, उसका आश्रय करे तो सुवास पहचान लेती है और उसमें मग्न हो जाती है। फिर दिन दुनिया की खबर उसे नहीं, भौरे को जैसे नहीं होती है ना, कमल बंद भी हो जाए तो भूल जाता है, ऐसे फिर दिन दुनिया की खबर नहीं होती है। इसका सुवास पहचान लो, इसको देखो। सीधा ये कहना चाहते हैं आत्मानुभव के लिए जो जरूरी है वह सब यही है। और इसीलिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत सरल एक उदाहरण दिया, भले ही वह भाषा में अच्छा नहीं लगता, कहने में ऐसा लगता है क्या कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल तथ्य है। आत्मा का अनुभव करना एक कप चाय बनाने से भी सरल है। क्यों? क्योंकि एक कप चाय बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, वो तो सहज उपलब्ध होती इसलिए ख्याल में नहीं आती है। एक भी ना हो और चाय की तलब लगी हो तो क्या स्थिति बनती है? चाय की पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, गैस चाहिए, अरे गैस जलाने के लिए माचिस चाहिए, और उसके बाद चाय बन गई तो छाननी चाहिए, छानने के लिए जिसमें पीना है वो हमें कप और प्लेट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए ना, तब हम चाय का स्वाद ले पाएंगे। माने उस चाय का जिसको हमें सहज लगती है उस चाय के लिए इतनी चीजें जुटानी पड़ती हैं। और आत्मा का अनुभव होना हो तो, आत्मा का अनुभव करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जिसका अनुभव करना है वो भी मैं स्वयं हूं और जिसे अनुभव करना है वो भी मैं स्वयं हूं। मेरी ही वर्तमान की पर्याय श्रद्धा ज्ञान चरित्र की, वह बस उसे मेरे आत्म सन्मुख करना है। तो मैं आत्मा और श्रद्धा ज्ञान चरित्र की वर्तमान परिणति वो भी मेरी ही है, इसलिए उसे स्वसन्मुख करना है, इसलिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत सरल। और इसको ये कह रहे, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वह सुवास पहचान रे, कहीं कुछ बाहर जाने की, इसलिए सबसे सरल। किसी ने एक भजन लिखा बहुत अच्छा, जनवानी माँ का है कहना, सबसे सरल है निज पद पाना, सबसे सरल। प्राप्ति न भय कछु ऐसो तू विचार तू है, प्राप्ति होगी कि नहीं ऐसा तू विचार करता है, सही वह है प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रे, निश्चित रूप से प्राप्ति होती ही है ऐसा ही स्वरूप जानो। आजकल
लिख करके गारंटी देते हैं ना, और वारंटी गारंटी क्या क्या अलग अलग भाषा देने लग गए, और वो गारंटी लेकर के पहुंचो ना, कभी अपनी चीज कोई बिगड़ जाए गारंटी कि साहब आपने गारंटी दी थी कि पढ़ो ध्यान से, वहीं उसमें से कोई ना कोई एक रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसा होगा, तुमने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा, ऐसी गारंटी लोग की होती है। यहाँ आचार्य गारंटी दे रहे कि निश्चित प्राप्ति होगी, तो आचार्य के पास ऐसा कौन सी एजेंसी जो गारंटी दे रहे हैं, किस बात का भरोसा है? आचार्य को वस्तु स्वरूप का भरोसा है। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। इसका मतलब सबने इस प्रकार से प्राप्त किया तो है, तो प्राप्त किया ना, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, इसलिए निश्चित प्राप्ति होती है। तो ये प्रेरणा, पर मत को पढ़ो, नहीं पढ़ो ऐसा नहीं कहते हैं, समझो, परंतु जिन मत को उसके सामने रख करके, वे सब कुतर्क है, उनको छोड़ करके जिन मत के अनुसार शांति से बैठ करके निर्णय करो, अपना आत्मा अंदर विराजमान है उसका लक्ष्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होती ही है। एक ये प्रेरणा का कलश बीच में आया। अब एक 45वीं गाथा लेते हैं, एक 5 मिनट कदाचित ऊपर भी हो जाए तो इसलिए लेते हैं कि आगे, ताकि विषय आगे बढ़ सके। और कल अपन 46, 47, 48 तीन गाथाएं लेंगे, बहुत अधिक टीका नहीं है तीनों की भी। फिर 49वीं गाथा आगे पूरे सप्ताह तक शेष दिनों में अपन चलाएंगे। चलिए 45वीं गाथा इसके बाद की लेते, इसके उत्थाने का। कहते जिन अध्यवसानादि भावों को आपने पुद्गल कह दिया, लेकिन वे अध्यवसानादि भाव कैसे पुद्गल हैं? आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी है, हमें तो नहीं, वो तो चेतन जैसे हमें तो दिखाई देते हैं, तो उन्हें पुद्गल कैसे? अब ये जो अध्यवसानादि भाव 8 प्रकार की मुख्यता से जो कहे गए हैं, वे सब पुद्गलमय ही है, ये बात पुनः सिद्ध करते हैं। या पिछली 8 प्रकार की मान्यताओं को सबको कह दिया था कि पुद्गल के ही परिणाम, पुद्गल पुद्गल दव परिणाम निपन्ना, उसी बात को पुष्ट करने के लिए पुनः ये गाथा लेते हैं। देखिए इसके उत्थाने का। कथम चित्त अन्वय प्रतिभासे अपि अध्यवसानादया पुद्गल स्वभावा इति चेत्। अध्यवसानादया, अध्यवसानादिक, वो अध्यवसान, अध्यवसान की संतति, उनका तीव्र मंद फल, कर्म, नो कर्म, कर्मों का समूह, जीव कर्म मिले हुए 8 प्रकार की जो मान्यता थी, वे सब लेना इसमें। वे सब कहते चित्त अन्वय प्रतिभासे, चैतन्य के साथ अन्वय रूप प्रतिभासित होते हैं। चित्त अन्वय, चैतन्य के साथ अन्वय वाले, कैसे चैतन्य के साथ अन्वय वाले? आप देखो ना, अध्यवसान कहाँ होते हैं, माने मोह राग द्वेष के परिणाम। ये जड़ माइक को तो होने वाला नहीं, जिस टेबल पर बैठे, जिस कुर्सी पर बैठे, इनको तो होने वाला नहीं। किस किसको होते हैं? जीव को ही तो होते हैं। जिस शरीर की बात कर रहे हैं वो किसी न किसी जीव का ही तो होगा। जो कर्म बंधेंगे किसी न किसी जीव के साथ, जीव का ही तो होगा। माने हमें तो चैतन्य के साथ साथ ही तो दिखाई देते हैं, ये चैतन्य के बिना तो दिखते नहीं हैं। तो चैतन्य के साथ इनका अन्वय दिखता है। तो जब चैतन्य के साथ अन्वय प्रतिभासित हो रहा है तो पर आप पुद्गल कैसे कहते हो इसको? लेकिन इनका चैतन्य के साथ अन्वय कदाचित दिख रहा है, लेकिन तुम एक तरफ से देख रहे हो। तुम चैतन्य की तरफ से भी देखो ना, चैतन्य का अन्वय है क्या इनके साथ? क्या चैतन्य इनके बिना रहता नहीं है? ये चैतन्य के बिना नहीं होते हैं। शरीर बिना कदाचित मुर्दा होगा, लेकिन जो असली शरीर कहलाता है नो कर्म किसी का, तो किसी न किसी जीव का होगा। मोह राग द्वेष के परिणाम किसी जीव के होंगे, चाहे ज्ञानावरणादि 8 कर्म होंगे तो किसी जीव के होंगे। तो वो जीव के साथ है, माने वे बिना जीव के नहीं हो सकेंगे, परंतु कोई जीव इनके बिना होता है कि नहीं? तो जीव इनके साथ अन्वय नहीं रखता है।
तो कह रहे, लेकिन जो प्रश्न करने वाला कह रहा है भाई ये तो जीव के साथ अन्वय रखने वाले दिखाई, चैतन्य के साथ इनका अन्वय दिखाई देता है, राग द्वेष आदि को तो चित्त विकार कहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं आप इन्हें कथम पुद्गल स्वभाव इति चेत, ये पुद्गल स्वभाव वाले कैसे हैं ये हमें बताइए। यहाँ जो कथम शब्द है ना बुद्धिपूर्वक दूर लिखा है, नहीं तो वो पूरा एक साथ पढ़ते हैं ना वो कथनचित अन्वय प्रतिभाषी अपि, वो कथनचित लगता है, कथनचित अन्वय प्रतिभाषी अपि, तो वहां भी कह सकते हैं कि ये जो मध्यवसानादिक भाव है इनका जीव के साथ कथनचित अन्वय है, किसी अपेक्षा से अन्वय प्रतिभाषित होने पर भी ये पुद्गल स्वभावी कैसे है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। इसमें कथम ज्यादा उपयोगी है कि कैसे ये पुद्गल स्वभावी कैसे हैं, उसका उत्तर देते हैं 45वीं गाथा। गाथा ले लीजिए, अठविहं पियकम्मं सौवं पोगलमयं जिना बेन्ति जस्स फलं तं उच्चदि दुःखन्ति विपच्यमानस्। ये तो पक्का है कि अठ विहम पी कम्म, आठ प्रकार के कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र अंतराय, ये जो कर्म की मूल आठ प्रकृतियां हैं, आठ प्रकार का कर्म, सर्वम पुद्गलमयम जिना, ऐसा पुद्गल में है ऐसे जिना, जिनेन्द्र भगवान वेंती माने कहते हैं पुद्गल में, द्रव्य कर्म है ना, पुद्गल की अनेक वर्गणाओं में से कार्मन वर्गणा, और कार्मन वर्गना ज्ञानावरणादि कर्म रूप से होती है इसलिए पुद्गल में कहते हैं उसे। लेकिन अब अध्यवसानादि भाव पुद्गल कैसे, जस फलम तम उच्चदि दुखंति विपच्यमानस, जस विपच्यमानस फलम, जब वे विपाक को प्राप्त होते हैं उदय में आकर के फल देने के, विपच्य मानस से पक जाते हैं माने फल देते हैं, उदय में आकर के फल देने लगते हैं, तो उनका फल क्या मिलेगा, दुखम, दुख ही मिलेगा, तस फलम दुखम ति उच्चदी, उसका फल दुख ही कहाँ है। तो आठ कर्मों का फल दुख है, इससे अध्यवसानादि भव पुद्गल कैसे हुए, क्योंकि आठ कर्म पुद्गल उनके उदय से अध्यवसान आदि भाव हुए और उनने जीवों को दुख ही दिया, तो एक तो उनके उदय से हुए इसलिए पुद्गल, और यदि जीव के होते तो जीव को दुख क्यों देते हैं, जीव के तो दुख का स्वभाव का घात करते हैं, कहते नहीं नहीं सभी दुख नहीं देते हैं, उसमें से कुछ सातावेदनी आदि होते हैं, वे तो सातावेदनी अच्छे शुभ होते हैं, शुभ नाम गोत्र इत्यादि जो है वे तो सुख देते हैं, अरे कुछ सुख नहीं देते हैं, वह सब सुखाभास है, वो इंद्रिय जनित सुख दुख ही है, अभी उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे सब इनका फल ये सभी कर्म के उदय के परिणाम है, तो जीव के परिणामों का घात ही करने वाले हैं। अपने 19वीं गाथा की टीका में कम्मे नो कम्मम यहमिदि कम्च नो कम्मम जायसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो अवधि ताव, कर्म का परिणाम नो कर्म का परिणाम, वो कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम को ये कहा कि आत्म तिरस्कारी, ये आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, तो जो आत्मा का तिरस्कार करे वो जीव के कैसे हो सकते हैं, इसलिए आठों कर्म पुद्गल में, उसका फल पुद्गल में, और वो दुख रूप होता है, स्वभाव का ही घात करता है, इसलिए अध्यवसानादि भाव जीव नहीं हो सकते हैं, पुद्गल के उदय से होने से पुद्गल ही है। लीजिए सुनील जी गाथा और पद्यानुवाद ले लीजिए। अठविहं पियकम्मं सौवं पोगलमयं जिना बेन्ति जस फलम तम ओचदे दुःखं ति विपच्यमानस। अष्टविध सब कर्म पुद्गल मय कहे जिन देवने सब कर्म का परिणाम दुखमय यह कहा जिन देवने। चलिए टीका लेते हैं,
यहाँ भी व के ऊपर एक रेप छूट गई। अध्यवसानादि भाव निर्वर्तकम अष्टविधम अपिच कर्म। अध्यवसानादि भाव निर्वर्तकम, अध्यवसानादि भावों को उत्पन्न करने वाले, अध्यवसानादि भाव जिससे उत्पन्न होते हैं कौन है कि अष्टविधम अपि कर्म, या आठ प्रकार के कर्म। उसे तो अध्यवसान जो भाव कहे, मोह राग द्वेष के परिणाम कहे, उनके लिए तो अकेला मोहनी कर्म ही पर्याप्त है। लेकिन आगे चल करके जो कर्म का तीव्र मंद उदय, उनका पुण्य पाप रूप फल, इन सब की चर्चा की है, तो उसमें साता साता वेदनी आएंगे। फिर नो कर्म शरीर लिया तो नो कर्म में नाम कर्म भी आएगा, आयु कर्म भी आएगा, इसलिए वो सब की बात ले रहे हैं। वो अध्यवसानादि भाव और आठ कर्मों का समूह ही मान लिया तो आठ कर्म है ही, इसलिए वो अध्यवसानादि भावों को उत्पन्न करने वाले ही आठों प्रकार के कर्म। और वे क्या है, समस्तमेव पुद्गलमयम् इति किल सकलज्ञ ज्ञप्ति। ये सब पुद्गल में ही है, ऐसा वास्तव में केवली भगवान की आज्ञा है। फरमान निकाला केवली भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने विज्ञप्ति निकाली। जैसे सरकार को कोई आदेश निकालना हो तो विज्ञप्ति निकाल देते हैं और प्रसारित कर देते हैं, ऐसे मानो केवली भगवान ने ये निर्णय प्रसारित किया है वस्तु स्वरूप का कि ये सब पुद्गल में है, जड़ है। तस्य तु अगली पंक्ति, तस्य तु यत विपाक काष्ठाम अधिरूढस्य फलत्वेन अभिलप्यते। तस्य माने उन आठ कर्मों के विपाक काष्ठाम अधिरूढस्य, ये थोड़ी सी समझ लीजिए अलंकारिक भाषा में कहा, विपाक की काष्ठा को अधिरूढ़ उन्हें प्राप्त, सीधा तात्पर्य यह है उदय काल आया, फल देने के सामर्थ्य सहित उदय में आए। वो कह रहे विपाक काष्ठाम अधिरूढस्य, पक गए अच्छी तरह से पूरा, माने अब फल मिलने ही वाला है उनका। वो पराकाष्ठा जिनकी जितनी उनकी स्थिति थी पूरी हुई, अब फल देने के लिए अधिरूढ़ हो गए। विपाक काष्ठाम अधिरूढस्य, और जब वे अधिरूढ़ हुए फल देने के लिए उदय में आए, तब फलत्वेन अभिलप्यते, जो फल रूप से कहा जाता है क्या फल मिलेगा, तत् वह अनाकुलत्व लक्षण सौख्याख्य आत्म स्वभाव विलक्षणत्वात् किल दुखम। उसका जो भी फल निकलेगा वह आत्म स्वभाव से विलक्षण ही होने वाला है। कौन सा आत्म स्वभाव, सौख्याख्य, सुख है नाम जिसका, माने सुख ये हमारे आत्मा का स्वभाव है, सुख नाम का जो आत्मा का स्वभाव है। कौन सा सुख, पांच इंद्रिय विषय भोगों वाला जो लगता है दुनिया को सभी, कि नहीं नहीं वो नहीं, क्या लक्षण उसका, अनाकुलत्व लक्षण, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। ये जो अनाकुलत्व लक्षण वाला सुख कहा, अनाकुलत्व लक्षण, ये सुख नाम का आत्म स्वभाव उससे विलक्षण कौन, तद दुखम, वो दुख है विलक्षणत्वात् किल दुखम, वास्तव में दुख, माने कर्म के उदय का फल आकुलता ही लाता है। चाहे मंद से मंद भी होगा, मंद राग भी होगा, तो भी आकुलता ही लाता है। चक्रवर्ती जैसा भी पुण्य लाएगा तो भी आकुलता लगता है। अभी आदरणीय दादा ने भरत का अंतर्द्वंद लिखा हुआ है, वो चक्रवर्ती तो मिला अपने को तो ठाट बाट लग रहा है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी आत्मा के रस वाले ऐसे चक्रवर्ती जी से पूछो क्या लग रहा है, उन्हें तो भारभूत लग रहा है। क्यों, ये आकुलता ही तो हो रही उसके कारण से बाहर की। तो ये सब, ये सारे आठ ही कर्मों का उदय आकुलता के ही उत्पन्न करने वाले होने से वास्तव में दुख ही है।
तद अंतः पाति न, इसमें भी अंतः पाति न, तद अंतः पाति न, उसके अंतर्गत आने वाले एव किल आकुलत्व लक्षण आद्य वसानादि भावः, वो उसी के अंतर्गत, उसके उदय से होने वाले जो परिणाम कहे ना, उसी के अंतर्गत आने वाले आकुलता लक्षण वाले ही अध्यवसानादि भाव है। मोह राग द्वेष के परिणाम ये सब आकुलता लक्षण वाले ही अध्यवसानादि भावा। जब वे आकुलता लक्षण वाले हैं, हमारे स्वभाव से विपरीत है, तो जीव कैसे हो सकते हैं? तो किससे उत्पन्न हुए? तो जिससे उत्पन्न हुए उसके तो कर्म के उदय के फल है, कर्म के उदय से हुए, इसलिए वास्तव में वे उद्गल ही है। अंतिम निष्कर्ष का वाक्य कहते हैं, ततः न ते चित अन्वय विभ्रमे अपि आत्म स्वभाव किंतु पुद्गल स्वभाव। ये न जो है ना, न ते आत्म स्वभाव, वो आत्म स्वभाव के नजदीक ले जाना, ते ततः इसलिए, ते माने भी अध्यवसानादिक भाव, चिद अन्वय विभ्रमे अपि, चैतन्य के साथ उनके अन्वय का विभ्रम होने पर भी, अन्वय है व्यतिरेक भी तो लगा करके देखो, या उल्टा चिन्वय अन्वय करके देखो, जहां जहां अध्यवसानादि भाव वहां वहां जीव, ऐसा तो कह सकते हो, लेकिन इसको बदल करके कहो, जहां जहां जीव वहां वहां अध्यवसानादि भाव, ऐसा तो नहीं है ना, जहां जहां मोह राग द्वेष वहां वहां जीव, ये तो बराबर है, मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे वहां जीव तो है, लेकिन जहां जहां जीव वहां वहां राग द्वेष के परिणाम, ऐसा कहेंगे तो फिर अरहंत सिद्ध वीतरागी वहां भी कहना पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कह रहे अन्वय का भ्रम हो रहा है, चैतन्य ही ऐसा भ्रम हो रहा है, तो भी न ते आत्म स्वभाव, अभी आत्मा के स्वभाव नहीं है, किंतु पुद्गल स्वभाव, वास्तव में पुद्गल स्वभावी ही है। ये चर्चा पुनः एक बार उसको सिद्ध किया, पुद्गल स्वभावी, इसलिए अध्यवसानादि को जीव मत समझो, चैतन्य स्वभावी जो भेद ज्ञानियों को अनुभव में आ रहा है, उसका हम अभ्यास करेंगे, हमारी इसी देह रूपी देवल में है, एकाग्रता से 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होगी। अब 46, 47, 48 में ये चर्चा करेंगे। आप तो मना कर रहे हो जीव नहीं है, लेकिन आगम में तो इनको जीव कैसे कह दिया, जिनवानी में कहा कि जीव है ये, कैसे कह दिया, और उसको व्यवहार से कहा ये कहेंगे, और उस व्यवहार को पुनः 47, 48 में दृष्टांत के माध्यम से भी कहने वाले हैं। ये चर्चा एक साथ कर लेंगे, तो 40, 47, 48 ये गाथाएं आप जरूर देख करके आवे, और अभी इस सप्ताह आपसे लेकर के शनिवार रविवार तक प्रतिदिन हम चर्चा करेंगे, और जहां तक है 49वीं गाथा पूर्ण होगी, महत्वपूर्ण गाथा है, टीका विस्तृत है उसकी, तो वह उसके लिए 4 कक्षाएं मिलेंगी, 4 कक्षाएं में उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा अपनी ही पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जपो दिन रैन जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।